सो है गाइस, तो जय हूँ मैं जो कि आज से स्टार्ट करने जा रहा अपनी माइनक्राफ्ट की ब्रांड न्यू सर्वर सीरीज। और अगर आप लोग इस सर्वर सीरीज को सपोर्ट दिखाते तो हम इस सर्वर सीरीज को काफी ऊपर तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने वर्ल्ड का नाम रखना होगा जो कि मैं लिखूंगा होलिक्स वाइटी की दुनिया। तो फिर जे नाम मैंने पैसे सोच के रखा था, तो फिर जे नाम मैं एंटर कर लेता हूँ एंड क्लेटर। 100 साल के बाद वर्ल्ड लोड हो चुका है। फिर चलिए अपने वर्ल्ड के दर्शन करते हैं। फिर यहाँ तो स्पॉन एकदम बेकार मिला है, तो फिर सबसे पहले हम वुड चॉप करते हैं और वुड चॉप होने के बाद अपने बाकी के टूल्स बना लेते हैं। और फिर मैं बस मॉब्स को मारता हूँ और फिर मैं चल जाता हूँ स्टोन माइन करने। और स्टोन माइन करने के बाद मैं स्टोन की पिकेस बनाता हूँ। मैं फिर से स्टोन माइन करने लग जाता हूँ, पता नहीं कैसी जिंदगी है भाई, लाइक कर रहे। तो फिर स्टोन माइन करते करते मेरा दिमाग हो जाता है ख़राब। फिर पर थोड़े से स्टोन बचे होते तो फिर मैं उनको माइन करके बाकी के टूल्स भी बना लेता हूँ, जैसे कि सोड, एक्स और एक सर्वर। और ये सब कलेक्ट करने के बाद, बनाने के बाद, फिर मुझे यहाँ पर आयरन मिल जाता है पहाड़ियों के ऊपर। तो फिर मैं आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो फिर जितना भी आयरन था मैं सब कलेक्ट करता हूँ। और मैं थोड़े से कोल्स भी मिल जाते हैं मुझे, उनको भी मैं माइन करने लगता हूँ। फिर इसी तरीके से मुझे और भी आयरन मिलते जाते हैं। उससे पहले यहाँ पर मुझे कोई सीप भी दिख रही है, तो उनको मैं उनकी असली जगह पहुँचा देता हूँ जो कि उनका स्वर्ग। स्वर्ग पहुँचाने के बाद एक और सीप मेरे पास खुद ही आ रही थी ऊपर जाने के लिए, लगता है इसको ज़्यादा ही जल्दी है, तो मैं इसे पहुँचा देता हूँ ऊपर। फिर मुझे और आइलैंड मिल जाता है, उन्हें भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे बस 3 आइलैंड थे और सामने ही मुझे और भी आइलैंड दिख रहा है। तो फिर उधर चलते हैं आइलैंड माइन करने। यहाँ पर भी बस 3 ही गैस आइलैंड थे, तो फिर इनको भी माइन करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड माइन करने के बाद मैं सीधा इधर नीचे गिर जाता हूँ केफ में। और केफ से मैं निकल के फिर से मैं चल जाता हूँ एक सीप को मारने जो कि सामने ही है। फिर उसको मैं मार के आ जाता हूँ इधर। फिर मैं फर्नेस में लगा देता हूँ अपना फूड कुक्ड होने के लिए। फूड जब तक कुक्ड हो रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर फूड कुक्ड हो चुका है और यहाँ नाइट भी हो चुकी है, तो सो जाते हैं जल्दी से। तो जल्दी से सोने की कोशिश करते पर जे सो क्यों नहीं रहा, तो सो गए। ओके गाइस, गुड नाइट। अपने वर्ल्ड की पहली नाइट हो गई है कम्प्लीट। और चलते फिर अपना आइलैंड स्मेल्ट करने जो कि है आइलैंड। और इसी आइलैंड से हम लोग बना लेंगे अपने बाकी के टूल्स, जैसे कि आर्मर्स और सोल्ड। एंड यहाँ पे मुझे थोड़े से एनिमल्स दिख रहे तो उनको भी ऊपर ही पहुँचा देते हैं। क्राइम इज द प्रोग्रेस। और जितना भी आइलैंड स्मेल्ट हो चुका था उनमें से मैं 2 आर्मर बना लेता हूँ। एंड बाकी के आइलैंड भी स्मेल्ट हो जाएंगे तब तक फिर मैं आइलैंड के आर्मर पहन लेता हूँ। पूरा कंप्लीट हो गया है और एक सील भी बना लिया मैंने। तो फिर चलो चलते हैं विलेज फाइंड करने। फिर मैं खूब दूर तक जाता हूँ और मैं स्नो बाय में आ जाता हूँ। मुझे एक लकली विलेज मिल भी जाता है, पर सबसे पहले हमें लिंक पोर्टल दिखला तो उधर जाएंगे ताकि हम बाकी के लूट कर सकें। एंड चलो जल्दी से भागते गाइस, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाके प्यार से कमेंट कर दो। और चेस्ट में एकदम है बेकार सी लूट, चलो तब भी काम आ जाएगी। तो फिर जल्दी से इसको ले लेते सामान को, क्लॉक कैसे काम किए ठीक है। तो फिर मैं जल्दी से जाकर अपना एक बढ़िया सा घर ढूंढ लेता हूँ। एंड मैं इसी घर में अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ और जे वॉल में तोड़ लेता हूँ ताकि मैं अपना बाकी का सामान रख पाऊँ। एंड जल्दी से वॉल तोड़ के इधर एक क्राफ्टिंग टेबल रख देते हैं पर जे प्लेस हो गई हो गई। एंड फिर मैं एक बढ़िया सी चेस्ट बना लेता हूँ, उधर चेस्ट रख देता हूँ। एंड मैं यहाँ की वॉल कवर कर देता हूँ ताकि कोई मॉब्स ना घुस पाए। एंड ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल में जाके एक कमेंट कर दीजिए।